अस्सलाम वालेकुम जी। ये प्रॉब्लम 8 आपका जो था, डेट वाज प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से हमने स्टार्ट लेने और 199 तक हमने प्रोसीड करना था, ठीक है जी। स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया के को 1 पे, बिकॉज सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1। फिर इस 1 को हमने प्रिंट करवाया आउटपुट के। प्रिंटिंग के बाद हमने 1 के से नेक्स्ट वैल्यू ऑब्टेन करनी है, डेट इज़ 3। उसके लिए हमने स्टेप 3 पे के में 2 इंक्रीमेंट किया, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। आफ्टर डैट स्टेप 4 पे हमने बात की थी कि इस के को आपने चेक करने हैं, इफ़ के लेस देन 100। अभी डेफिनेटली 1 में जब 2 ऐड करेंगे आप तो के विल बिकम 3, एंड 3 इफ़ 3 इज़ लेस देन 100, डेट इज़ डेफिनेटली लेस देन 100, देन गो टू स्टेप 2। तो यहाँ से आपने दोबारा स्टेप 2 पे जाना है, स्टेप 2 पे जाके फिर आप उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, एंड अप टू सो ऑन, ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। इसी प्रॉब्लम का अब हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, प्रॉब्लम नंबर 8 का। प्रॉब्लम 9 भी साथ ही देख ले। 27 से हमने स्टार्ट लिया था, -6 तक हम आए थे, तो के को 27 पे इनिशलाइज किया, के को हमने प्रिंट करवा दिया, के में हम 3 माइनस करेंगे, देन इट विल बिकम 24। Then we will check k. If the value of k is greater than equal -6, then go to step 2. Otherwise go to step 5. ये दोनों algorithms discuss हो चुके हैं, इनका अब हमने flow chart design करना है, problem 8 and problem 9। ये देख लें जी, problem 8 and 9 flow chart, steps वही हैं, हमने start करने ओवल सिंबल यूज करेंगे, देन के को 1 पे इनिशलाइज करेंगे। अब के को 1 पे इनिशलाइज करना है, इट इज प्रोसेस, इसके लिए हम प्रोसेस बॉक्स यूज करेंगे, डेट इज रेक्टेंगल। उसके बाद इसको के को हम प्रिंट करवाएंगे आउटपुट के, इसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज करेंगे। के की करंट वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद अब आपने के में 2 ऐड करने, इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, अगेन इट इज इनक्लोज इन रेक्टेंगल बॉक्स। के में 2 ऐड करेंगे तो के आपकी वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, देन वी हैव टू चेक हेयर 3। अच्छा, ये एक नया बॉक्स है, डायमंड बॉक्स, डायमंड सिंबल, इट इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग डिसीजन। इस डायमंड सिंबल में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब इस कंडीशन के लिए 2 पाथ होंगे हमारे पास, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, इधर दिस कंडीशन विल बी ट्रू और दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस येस वाले पाथ को फॉलो करेंगे और दोबारा हम आउटपुट वाले फेज पे चले जाएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम नो वाले पाथ को फॉलो करेंगे और अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। देखें, के 1 प्रिंट आउटपुट के, देन 1+2 3 लेस देन 100, कंडीशन ट्रू, यस, अगेन 3 प्रिंट, 3+2 5 लेस देन 100, 5 प्रिंट, 5+2 7 लेस देन 100, 7 प्रिंट, एंड अप टू सो ऑन। ये सिलसिला 1 से 99 तक प्रोसीड करेगा। जब 99 में को प्रिंट करवाने के बाद अब 99 में जब 2 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 101। अब 101 इज नॉट लेस देन 100, तो आपका नो वाला पाथ फॉलो होगा और आपका एल्गोरिथम, आपका फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड फ्लो चार्ट 9, इसमें हमने 27 से स्टार्ट लेने हैं, के इक्वल 27, आउटपुट के उस के को प्रिंट करवा देंगे, देन केस में हम 3 माइनस करेंगे, 27 है तो उसमें से 3 माइनस कर दें, 24 रह जाएगा, देन वी विल चेक दिस वैल्यू के, 24 इज ग्रेटर देन -6, डेफिनेटली 24 इज ग्रेटर देन -6, अगेन आउटपुट डिक्रीमेंट, कंडीशन चेक, आउटपुट। तो ये सिलसिला हमारा 27 से स्टार्ट होगा, फिर 27 के बाद हमारे पास के में 24 आएगा, 24 आपका चेक होगा, प्रिंट होगा, देन 24 -3 21, 21 ग्रेटर देन -6, प्रिंट चेक, डेक्रीमेंट चेक, और ये सिलसिला हमारा चलेगा -6 तक। जो ही कंडीशन फेल होगी नो पे, हम अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देंगे। तो ये 2 एल्गोरिथम जो हमने डिस्कस किए थे, उनके ये फ्लो चार्ट्स हो गए जी। अब आपने करना ये है कि ये जो एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स हमारे कवर हो चुके हैं, एल्गोरिदम
1, 2, 1, 3, 4 प्रॉब्लम नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर टू हमने नहीं किया, प्रॉब्लम नंबर थ्री हमने डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम नंबर फोर डिस्कस हो गया, प्रॉब्लम नंबर फाइव डिस्कस हो चुका है, फाइव के बाद प्रॉब्लम नंबर सेवन सॉरी प्रॉब्लम एट और प्रॉब्लम नाइन, इन प्रॉब्लम्स को आपने नोट करना है जी कॉपी पे, और इसके साथ ही इनके फ्लो चार्ट्स, सेम प्रॉब्लम्स के फ्लो चार्ट्स भी आपने डिज़ाइन करनी है, और इनमें से अपनी मर्जी से कोई से दो एल्गोरिदम्स और दो फ्लो चार्ट्स आप डिज़ाइन करके उनके स्नैपशॉट्स मुझे सेंड कर देंगे। इसको रिवाइज करें, प्रीवियस लेक्चर्स को तवज्जो से दोबारा रीड कर लें। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम हम कवर कर लेते हैं और यहाँ से, इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम नंबर 12, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फारेनहाइट टू सेल्सियस। फारेनहाइट में हमने टेम्परेचर लेना है यूज़र से, लेट द टेम्परेचर इन फारेनहाइट एफ बी 100। उसके बाद हम उसको स्टेप टू पे आके उसको उस फारेनहाइट को कैलकुलस में सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। इसका फार्मूला गिवन है 5/9 इंटू एफ माइनस 32। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको प्रिंट करवा देंगे आउटपुट सी, देन स्टॉप। सेम प्रॉब्लम, इसका फ्लो चार्ट भी सिंपल है प्रॉब्लम नंबर 12 का। प्रॉब्लम नंबर 12, स्टार्ट इनपुट एफ, फारेनहाइट में टेम्परेचर ले लिया हमने, उस टेम्परेचर को जो फारेनहाइट में है उसको हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस फार्मूला, और ये सेल्सियस में कन्वर्ट करना प्रोसेस है। देन उसको हमने आउटपुट पे शो कर दिया आउटपुट सी और स्टॉप। दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये इस एल्गोरिदम, इन एल्गोरिदम्स को और फ्लो चार्ट्स को अब आप प्रिपेयर करें, कॉपी पे नोट कर लें। थैंक यू।